हेलो दोस्तों, मैं पवन मलिक, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही सीरियस टॉपिक के बारे में। आज हम बात करेंगे, अगर आप किसी भी तरह की प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं जैसे कि फ्लैट या प्लॉट, तो कौन सा आपको खरीदना चाहिए, फ्लैट खरीदना चाहिए या प्लॉट खरीदना चाहिए? क्योंकि काफी लोग मैंने देखे हैं जो खरीदने आते हैं और फिर वो कंफ्यूज रहते हैं थोड़ा सा कि हम प्लॉट खरीदें, फ्लैट खरीदें, कौन सा हमारे लिए बेस्ट होगा, कौन सी जगह पे। तो इसके बारे में डिटेल से बात करेंगे आज की वीडियो में। पहले बात कर लेते हैं फ्लैट्स के बारे में। जैसा कि आपने भी देखा होगा, काफी लोगों ने या कुछ लोग जाते हैं सोसाइटी वगैरह में और वो वहां जाके वहां की चकाचौंध देखते हैं, तो उनको लगता है कि हाँ जी फ्लैट ही बेस्ट है, फ्लैट ही खरीद लेते हैं। जैसे कि वो वहां पे देखते हैं स्विमिंग पूल हो गया, क्लब वगैरह हो गए, इनको देख के कि ये खरीद लेते हैं, प्लॉट वगैरह खरीदेंगे तो ये कहाँ मिलेगा हमें। मगर ये सब आप ना देखें, उसके साथ साथ कुछ और चीजें भी हैं जो आपको वहां पे देखनी चाहिए। जैसे कि आप अगर कोई भी फ्लैट खरीद रहे तो वहां पे मेंटेनेंस चार्जेस वगैरह जो है वो बहुत हिडन रहते हैं और आने वाले टाइम में बढ़ते रहते हैं, जिसको पे करना कई बार मुश्किल हो जाता है और आप सोचते हैं कि गलत चीज से फ्लैट ले लिया, सेल कर देना चाहिए और इसमें तो उल्टे सीधे जो मेंटेनेंस चार्ज है वो ले रहे हैं, तो इसमें दिक्कत आती है। कार पार्किंग की जो है सबसे बड़ी दिक्कत ये भी देखने के लिए मिलती है। कई बार आपका फ्लैट जो है काफी ऊपर है और आप बिना लिफ्ट के वहां पे जा नहीं सकते, और लिफ्ट वगैरह जो है वो कई टाइम पे काम नहीं करती है, काम भी करती है तो बहुत स्लो स्लो जाती है। इस तरह की काफी प्रॉब्लम जो है वो आपको फ्लैट्स वगैरह में देखने के लिए मिलेंगी। अब यहीं पे अगर आप देखें, सबसे पहले अगर सोचें आपके पास बहुत प्रॉपर्टी है, आपके पास प्लॉट है, तब आप फ्लैट्स वगैरह में जा सकते हैं, तब कोई दिक्कत नहीं है कि हाँ चलिए ठीक है एक फ्लैट ले लेते हैं और कोई दिक्कत नहीं है। और आपके पास आप देख रहे हैं अपने लिए फर्स्ट प्रॉपर्टी की, कोई फर्स्ट प्रॉपर्टी आप खरीदना चाहते हैं, तब तो आप ध्यान रखें, तब आप अगर फ्लैट का डिसीजन लेते हैं तो आपके लिए बिल्कुल गलत होगा। क्योंकि आज आप फ्लैट खरीद लेंगे ना तो आपको ये पता है इसके ऊपर कितना लोड है, कितनी बिल्डिंग बनी हुई है, किस तरह के आगे प्रॉब्लम होगी, कल को इसका मेंटेनेंस वगैरह जो वो किस तरीके से होगा, ये सब जो है आप इनसे बहुत आपको दिक्कत आएगी। मानिए कि आपकी फैमिली बढ़ने लगती है और आप उसमें कोई एक कमरे तक जो है वो नहीं बना सकते। और कई बार जैसे कि आपने आज जॉब कर रहे हैं और आज फ्लैट ले लिया और आने वाले टाइम में आप रिटायर होने का जैसे ही आपका टाइम नजदीक आ जाता है, जो मेंटेनेंस चार्ज तब थे जब आपने फ्लैट खरीदा था, धीरे धीरे वो बढ़ के बहुत ऊपर चले जाते हैं, कई बार वो पे करने भी बहुत मुश्किल हो जाती है। तो फ्लैट्स वगैरह से आप बचें, आप तभी फ्लैट्स वगैरह देखें, या तो आपके पास बहुत प्रॉपर्टी है और आप सोच रहे हैं कि एक फ्लैट खरीद लेते हैं रहने के लिए, या आप स्टूडेंट हैं, पढ़ाई कर रहे हैं किसी जगह पे रह के, आप चाहते हैं कि रेंट वगैरह पे ना लेके, तब आप फ्लैट ले सकते हैं और फिर जैसे ही पढ़ाई वगैरह कंप्लीट हो जाए तो सेल कर सकते हैं। या आप किसी सिटी में जॉब वगैरह कर रहे हैं और आप रेंट वगैरह पे नहीं रहना चाहते, तब आप ये फ्लैट वगैरह जो है परचेज कर सकते हैं। लॉन्ग टाइम के लिए फ्लैट्स नहीं है, क्योंकि आने वाले अगर देखें 15-20 साल में धीरे धीरे खत्म होने लगते हैं फ्लैट्स, तो कुछ लोग चकाचौंध को देख के इसमें आ जाते हैं। तो चकाचौंध को ना देखें, जो जरूरी चीजें हैं वो भी देखें। आप ये देखें कि अगर अपनी फर्स्ट प्रॉपर्टी कोई खरीद रहे, कल को आपके बच्चे होंगे और आपकी फैमिली बड़ी होगी, उनके लिए आप क्या दे सकते हैं उनको। क्योंकि आप अगर आज के टाइम पे 120 मीटर का भी प्लॉट खरीदते हैं तो आज एक मंजिल उसको तैयार करते हैं, कल को 2 मंजिल तैयार कर सकते हैं, उसके बाद अगर आपको लगता है तो फिर उसके ऊपर भी आप बना सकते हैं फ्लैट प्लॉट में, ये सबसे बढ़िया है। और ये सब चीजें जो है आपको फ्लैट वगैरह में जो है देखने के लिए नहीं मिलेगी। अगर आज आप प्लॉट खरीद रहे हैं तो आने वाले जितने टाइम तक आप उसको रखेंगे आपको किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी, और आप कभी भी आपकी जो जनरेशन है या कोई भी उसको आने वाले टाइम में यूज कर सकते हैं। फ्लैट का क्या है कि जैसे जैसे वो पुराना होता जाएगा वैसे वैसे उसमें प्रॉब्लम आपको देखने के लिए मिलेंगी, जैसे कि लीकेज वगैरह की प्रॉब्लम जो है वो काफी देखने के लिए मिलेगी और इन सब से आप काफी परेशान हो जाएंगे। तो आप इससे बचें, और किसी के कहने से, किसी बहुत से डीलर हैं जो बताते हैं या बिल्डर हैं जो अपनी प्रॉपर्टी सेल करने के लिए बताते हैं प्लॉट वगैरह के, क्योंकि आप कहीं भी किसी, मानिए आप कहीं पे भी आप प्लॉट खरीदते हैं, वहां पे आपको गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट प्लॉट अगर आप खरीदते हैं तो वहां पे रोड वगैरह का ये आप देखेंगे तो आपको बढ़िया कंप्लीट पानी वगैरह का जो है कोई दिक्कत नहीं होगी, और लिफ्ट वगैरह की कोई प्रॉब्लम वहां पे होती नहीं है, उसे कोई मेंटेन करने की जरूरत ही नहीं है, इस तरह की जो प्रॉब्लम है वो आपको नहीं देखने के लिए मिलेंगी। और फ्लैट में एक तरीके से आप जो लोग रह रहे हैं या जानते हैं कि एकदम आप बंधा बंधा सा जो है महसूस करेंगे, अगर आपको आदत नहीं है फ्लैट वगैरह में रहने की तो बड़ा मुश्किल आपके लिए हो जाएगा। प्लॉट है, आप जैसे चाहे वैसे रह सकते हैं, जैसे चाहे उसको बना सकते हैं, डिजाइन कर सकते हैं अपने तरीके से,
तो कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं यही आइडिया दूंगा कि अगर आपको के पास आप अपनी फर्स्ट प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं कोई भी, तो आप प्लॉट में इन्वेस्ट करें जो आपके बच्चे भी यूज करें आने वाले टाइम में, और आप अच्छे से वहां पे रह सके। और आप फ्लैट वगैरह देखना चाह रहे हैं तो वो आप अपने जो मैंने कुछ वो बताएं कि अगर जॉब वगैरह के लिए है या पढ़ाई के लिए देख रहे हैं तब आप प्लॉट वगैरह देख सकते हैं। तो आज की वीडियो में यही जानकारी आपको देनी थी। अगर इससे रिलेटेड कोई जानकारी आपको चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं वीडियो कमेंट बॉक्स में, या जो नंबर आपको प्रोवाइड कराया गया है उस पे भी आप कॉल कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, उन लोगों के पास शेयर करें जो कोई एक प्रॉपर्टी खरीदने का सोच रहे हैं तो वो क्या डिसीजन ले सकें, उनके पास आप हमारी वीडियो को शेयर कर सकते हैं। चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन पर क्लिक करें, जिससे फ्यूचर में कोई वीडियो अपने चैनल पर अपलोड करते हैं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए दोस्तों, जय हिंद जय भारत।